हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर में आपका बड़ा दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले इंडिया मार्ट शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, जैसे देख सकते हो, RSI भी बहुत कम है और ASM और GSM लिस्ट में है नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़ा बहुत ये निफ्टी ओरिएंटेड थोड़ा शेयर है दोस्तों। जहाँ निफ्टी ये भागने लगेगा तो ये भी भागने लगेगा, तो निफ्टी ग्रीन में रहेगा तो ये अपना लाइफ टाइम हाई पे जाएगा दोस्तों। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इन्वेस्ट करके रह सकते हो। वैसे अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब सेलिंग भी जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ रहा है तो नॉर्मल लाइफ में आ रहा है, तो इसका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा आपका ग्रो हो रहा है। और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, जितने भी मिडिल टर्म इन्वेस्टर हैं, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो भी अपना रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर्च इंजिन थ्रू ये सबसे बड़ी बात है कि ये एडवर्टाइजमेंट करता नहीं है। इसके पास इतने ज़्यादा बायर और सेलर पहले से लिस्टेड है जिनका आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट पहले से ही हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू और प्रॉफिट का रेशियो 2021 का और आने वाले टाइम पे ये 8,400 इसी वीक में आपको जाता हुआ दिखेगा, और नेक्स्ट आपका जून फर्स्ट वीक तक 9,400 टारगेट जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। और म्यूचुअल फंड आपका बहुत ज़्यादा बाइंग के लिए आपको प्रेशराइज कर रहा है। हर दिन आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू आपका CFO और CEO और MD के साथ बात कर रहे हैं अपना पोजिशन बनाने के लिए। ये आप आने वाले टाइम पे आप देख सकते हो, स्किनर साइट में आके देख सकते हो, BSE के साइट में आके देख सकते हो। B2B डिजिटल मार्केट प्लेस का कंट्री में सबसे बड़ा लार्जेस्ट मार्केट प्लेयर है। ROC 39 का है, ROE 29 का है, Face Value 10 का है, और स्प्लिट और बोनस होता नहीं है ये स्टॉक दोस्तों। ये स्टॉक आपका जैसे कि अमेजोन का साथ कंपेयर कर सकते हो, अलीबाबा के साथ कंपेयर कर सकते हो। बल्क में डीलिंग्स करते हैं। और जैसे कि देखो, सपोर्टिंग के लिए जा रहा है, ये 50 डेज़ DMA को टच करने वाला है, जो बहुत क्लोज़ है 50 डेज़ DMA को। और यहाँ से एक जहाँ सपोर्ट हो जाएगा तो और तेज़ी के साथ ये आगे बढ़ेगा। और जब भी आगे बढ़ेगा तो 9,400 बहुत छोटी टारगेट है दोस्तों। इसको अचीव होने के बाद ये 10,000 को भी क्रॉस करेगा। आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये नीचे आने वाला है नहीं, क्योंकि RSI और ओवरसोल्ड बोन में पहले से चला गया है। और ज़्यादा घबराने का आप ये मत करो कि अपना बेच दो, क्योंकि म्यूचुअल फंड बैठा हुआ है इसमें। स्टैक बनाने के लिए आपका हर एक शेयर, सिर्फ 3 करोड़ शेयर में ये अपना ट्रेडिंग चलता है इंडिया मार्ट में। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, 34% CAGR है लास्ट 5 ईयर से। आप जहाँ बेचोगे रिटेल इन्वेस्टर का शेयर, ये म्यूचुअल फंड बाई करके रख रहे हैं। बड़े बड़े ऑपरेटर इसमें एंट्री ले रहे हैं और प्रॉफिट बुक करके जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, दो दो दिन में आपका 11% के आसपास इसने रिटर्न करके दिया है। जहाँ ये 5,000 जाने वाला था, यहाँ से फोरकास्टिंग आया था कि 5,000 जाने वाला है। घबराने का कुछ नहीं है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखो, मार्च 2021 में 326 करोड़ का है, और सेल्स इसका बढ़ेगा। सेल्स के ऊपर से सबसे ज़्यादा ये ट्रैफिक इंजिन, और सबसे बड़ा है कि बायर एंड सप्लायर का आपका मीट कराता है, और डिजिटल मार्केटिंग का ये हब है, और आने वाले टाइम पे इसी का चल रहा है। अभी भी कुछ भी अगर आप ऑनलाइन सर्विसिंग चाहते हो तो आपको इंडिया मार्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट इसी के थ्रू मंगवाना पड़ेगा। लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजोन क्या है, इंडिया में आपका बल्क में और ग्रोस में आपका डीलिंग नहीं कराता है जो ये कराता है। इसलिए इंडिया का अलीबाबा और अमेजोन के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो। आप लायबिलिटीज़ देख सकते हो, जो 1,000 करोड़ बढ़ गया है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में। प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट है, FII अपना 3% बढ़ाया है। तो FII फॉरेन इन्वेस्टर भर भर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना स्टैक बना रहा है। जैसे जैसे आप बेचते रहोगे वैसे वैसे वो खरीदते रहेगा। और कल भी आया था दोस्तों, और कल भी आके इसका बाइंग पोजीशन बना के गया। जैसे कि आप देख सकते हो, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से शॉर्ट टर्म टारगेट दिया है 9,320 का, और ये बहुत जल्द अचीव होता दिखेगा। और इन्वेस्टर अपना इंटैक्ट है, स्किनर साइड में